घर चुकी है और जो एक्सेल का थाना क्लम्प ये भी लग चुका है यहाँ। ये चेक करो गाइस, खत्म। ओहो, ओ माय गॉड, धुआं ही धुआं चारों तरफ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। और गाइस, मैं ना आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आज दिन हो गया है, 9 बज चुके हैं और रात जैसा माहौल है, लाइट भी है नहीं, बाहर चली हुई है बारिश। रात को बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश चली हुई है। ये देखो क्या बारिश हो रही है, वाह भाई वाह। आज भी कोई खास काम होंगे नहीं, पूरा दिन कहीं भी नहीं जा पाएंगे। जिस हिसाब की कल की प्लानिंग थी, हमने की हुई थी, हम कैंप साइट तक जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अभी बाहर दिखाता हूँ आपको, मैं बाहर आ गया हूँ अभी। ये देखो बाहर हालत ख़राब है गाइस, बारिश से, इतनी बारिश कहाँ से हो रही है, इतनी बारिश और क्यों हो रही है कोई आइडिया नहीं। चलो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लेते हैं, बारिश तो होती रहती है, फिर ये तो पूरा दिन नहीं लगेगी गाइस। तो यू भी आ गया, हेलो तो कर दे, छुट्टियों में घर आया हुआ है। चल जाते हैं। अब ये मधु को अभी जगाने जाएगा, उसको डराएगा। ये कुंडी है हमारी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा यार। यू भी प्रैंक हमारे ऊपर हो गया है। मधु जागी हुई थी, वो काम कर रही थी दूसरे कमरे में, हम जा रहे थे, उसने पहले ही देख लिया हम लोगों को। इधर देखो जरा, ये देखो मम्मी का देसी छाता। अब यहाँ पे बैठ के बर्तन धोए जाएंगे। यू भी जल्दी आ। हुआ ना तेरे साथ प्रैंक लगा पता क्या फायदा हुआ यार ये, है ना। ऐसे मौसम में हमारे साथ हो गई गड़बड़ी। में थोड़ा सा चेंज है, हम लोग जा रहे हैं अभी रोडू तक, क्योंकि रोडू तक जाने का मेन रीजन ये है कि हमने जो पाइप ऑर्डर की थी ना, जो हमारी टंकी वाली पाइप फट गई थी गाड़ी की, वो आ चुकी है। उन्होंने कंपनी से कॉल किया कि आपकी पाइप आ चुकी है तो आप आ सकते हैं लेने। तो हमने सोचा बारिश में ऐसे मौसम में क्या करना, घर पे मैं और काका जा रहे हैं अभी फिलहाल, अगर कोई आते हैं तब तक थोड़ी देर तक हमने फोन तो कर दिया था, तो ठीक है, अदरवाइज हम दो ही निकल जाएंगे। बाकी फिलहाल इतना ही। अभी तो बारिश हो रही है ना गाइज, इतनी तेज़ बारिश हो रही है इधर तो गांव में, खतरनाक बारिश हो रही है। तो बस निकलते हैं फिलहाल, यहाँ से पहुँचते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बनता है इसके बाद मिशन। अगर तो वहीं पे हम लोगों को पाइप लगवा देते तो ठीक, अदरवाइज़ हम लोग भूषण के पास आ जाएंगे, उसको भी कॉल कर देंगे तो उससे फिट करवा देंगे। बस इसी स्टोरी है। हम लोग पहुंच चुके हैं रोडू में और यहाँ पे ना ठीक ठाक पानी भरा हुआ है बारिश से, ऐसे कीचड़ वाले रोड में आए हैं ना आज हम लोग, चर 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 मजा आ गया। अभी पहुंचे हैं बस स्टैंड, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कम। ये है गाइज आज का रोडू का अपडेट, जो कि रोडू में बारिश की वजह से ठीक ठाक कोहरा छाया हुआ है। ओ माय गॉड, बिटारा प्रजा आगे निकलती हुई हम लोगों से। और यहाँ पे ना गाइस बारिश भी हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अब गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी में और अभी फिलहाल यहाँ है हमारी कंपनी, इधर गाड़ियों के काम चले हैं। और यहाँ देख रहे हैं पीछे, ये गाड़ी तो जानी पहचानी सी लग रही है, ये अपनी गाड़ी है गाइस, जो कि तैयार होने लगी हुई है। ये पाइप आ गई है, ये इसका क्लंप है,
ये छोटी लग रही है तेरे को पाइप है? है? लग तो रही है। परे से देख जरा फिट करवाए। यहाँ करेंगे, कौन करेगा? यहाँ करवाने पीछे, पीछे कौन करेगा? चल ठीक है, फिर करते हैं पीछे। उधर कंपनी में नहीं लग रही थी इसलिए हम लोग बाहर आए, अब यहाँ पे भैया लगे हुए करने, तो इस पाइप को फिट करेंगे भैया थोड़ी देर में। ये टेप से चिपकाए, काट दो इसको, टेप से सिर्फ ये चिपकाया हमने ना, खुद का ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ था इसके लिए। बस ये लगेगी इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ देखो अंदर आप लग जाएगी। तो ये है कुछ ऐसा सा सिस्टम इसका, जो कि थोड़ी देर में हो जाएगा। ये देखो नीचे से इधर फिट हो जाएगी, पीछे से खोल दिए यार। लगेगी कैसी है दूसरे वाली धन्नो, जो कि कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी थोड़ी सी, अभी इसका भी चला हुआ है, मरम्मत चली हुई है, जल्दी उठेंगे बोले तूफान लेके। वाह वाह वाह, है वाह यार, कमानी कुमानी कर दी गई है। ये देखो गाइज, ये टूटे हुए थे ना सारे पट्टे पुट्टे, जो कमानियाँ टूटी थी, तो ये ओके हो चुके हैं, इधर भी ओके हो गया है। बस इसमें तो शीशा ही रह गया, लाइटें लूटे, ये डेंट पेंट रह गया करने को, पेंट रह गया और लाइट भी, लाइटें रह गई है, बाकी सारा ही हो गया लगभग लगभग। बस तो कुछ दिन में ये वाली गाड़ी भी मिल जाएगी ना, ओके ओके मिल जाएगी। ये डैशबोर्ड नया पड़ा? हाँ डैशबोर्ड भी नया है भाई, डैशबोर्ड भी नया पड़ा है बेटे। हाँ जी कैसे? पाइप वो टेंट वाली छोटी पाइप ना, वो पाइप कहाँ है काके? एक लंप तो है, बाकी मैं गाइस आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ जब ये हो जाएगा। ये देखो ये टूटी थी अपनी पाइप, इधर से टूटी हुई थी गाइस, नई पाइप ढल चुकी है, और जो एक्सल का था ना क्लम्प, ये भी लग चुका है। यहाँ देखो पीछे बढ़िया करके लगा दिया गया है, देखो क्योंकि इसमें ना दिक्कत हो रही थी बड़ी ज़्यादा, चर चर की आवाज़ करती थी, तो अब निकलते हैं चढ़गांव। हम लोग नई लोकेशन में, सीमा के अगली साइड है ये ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड और नदी देखो आगे गाइस। गाड़ी के अंदर से तो ऐसा डर लग गया था ना एक मिनट के लिए, ये देखो ऐसे दिखती है जैसे यहीं पे नदी। ओए डूब के मर जा, हैं डुबकी मार जरा, यहाँ तो देख के मर रहे गाइस, बहुत ज्यादा फ्लो है पानी का आज तो। पहले मैं सोच रहा था आज हम रिवर क्रॉसिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे एंटर होंगे ना सीधा फेंकेंगे हम लोगों को नदी आगे गाड़ी समेत, रिवर क्रॉसिंग तो यहाँ हो ही नहीं पाएगी, बट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कुछ नई नई एक्टिविटीज़। ये जगह बहुत ही शानदार है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ देखो कितना खुला एरिया है, यहाँ तो ऐसी घूमेगी ना गाड़ी, ऐसे 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 बवंडर बन जाएगा गाड़ी का। चलो करते हैं ट्राई कुछ समथिंग न्यू। यहाँ पे इस ग्राउंड में तसल्ली कर दी है, साइन हमारी हो चुकी है यहाँ पे गाड़ी से। ये देखो पूरे ग्राउंड में साइन मार दी हमने यहाँ पे, जितना हम लोगों से पॉसिबल हो सकता था
कर दिया गया है। अब घर का विचार है, घर का तो क्या मतलब, निकलना है यहाँ से, 1 बजने लग गया है, तो पहुँचते अब घर की तरफ, फिर नेक्स्ट प्लान देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे वो पाइप तो डाल दिए पर फिर भी तेल गिर रहा है गाइस बाहर को ना। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, इधर से देखो, ये पता नहीं क्यों बाहर को ऐसे छलक के आ रहा है बाहर पानी। बस इतनी सी दिक्कत है, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। ये देखो कीचड़ी कीचड़, इधर देखो टायरों के निशान, साइन होती है ये गाइस, साइन कहते हैं इसे, साइन कर दी हमने इस ग्राउंड में भी। यहाँ पे नहीं आए थे हम लोग, काफ़ी दिन से इच्छा हो रही थी कि इस ग्राउंड में जाए, तो आ गए आज, तसल्ली हो गई है। अब चलते हैं, गाड़ी देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई, सारी मेहनत बर्बाद। ये था यहाँ से नीचे का रोड इस ग्राउंड में, और यहाँ से दिखता है वो गाइस कि नीचे कितनी साइने मारी हुई है। ये देखो नीचे तो तबाही है कि हमने इस ग्राउंड में, आज गिल्ला गिल्ला भी सा भी था ना, और इसमें घास भी बढ़िया उगी हुई है, खेत टाइप है ये किसी का। तो यहाँ पे गए, फुल मज़े किए, तसल्ली करके आ गए हैं अब घर को। अब चलते हैं यार, बहुत हो गया, अब यहाँ पे टाइम ख़राब कर रहे हैं हम लोग। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं धमवाड़ी में, और आज हमने ना चढ़गांव रोडू धमवाड़ी तीनों बाजार कवर कर दिए हैं। बीच के भी छोटे छोटे जो बाजार थे वो भी सारे कवर करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं धमवाड़ी। अब यहां से कहां जाए, बारिश रुकी नहीं रही, हम लोग सोच रहे बारिश रुक जाती तो घर को जाते, कहीं और जाते, कहीं भी, पर बारिश रुकी नहीं रही है। तो घर पे लंच वगैरह हो चुका है मेरा कंप्लीट, और बाहर इतनी तेज़ बारिश, भगवान क्या करे। और यू भी लगा हुआ है अभी कुल्फी की तैयारी, में कुल्फी बनाने का सोच रहा है। यू भी बनाना कुल्फी फिर, तब लाना। तेरे घर पे क्या क्या सामान है, क्या क्या मिल सकता है, जल्दी बोलना फिर क्या क्या लाएगा तू, फिर उस हिसाब से बनाएंगे। कुल्फी बना रहे हम लोग, और इसकी छुट्टी थी पर बेचारे के साथ हो गया सीन, है ना, मौसम ने जो कर दिया, बोर जो हो रहा है, तो बस इसने सारी गेमें खेल दी है, पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ सामने धुंध धुंध दो दिन के लिए आता है घर और सत्यानाश कर देता है घर का। बंद कर, ये देखो कॉपीराइट लाएगी मेरे चैनल पे, बंद करवा इसे। मैं बोल रहा लाना फिर बनाते हैं ना कुल्फी यार। शॉर्ट्स वीडियो मेरे फोन से देखिए ना, लाइक विकी। ओह शुक्रे, बनाते हैं ना फिर। गाइस इसने इसमें तो चीनी पड़ती है। क्या लाया, बादाम ला लिए, चोरी करके लाए। पाउडर दूध भी कर दिया है तैयार, कहाँ है बादाम? ये क्यों लाए इतने सारे? यार ज्यादा लाता, ये दूध है। और मम्मी मम्मी से अखरोट मांग, आई से मांग। अब ये मिक्स करेंगे पतला पतला करके, फिर इसकी कुल्फी बनेगी, फिर मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर, फिर जब बन जाएगा फिर उठ जाऊंगा, फिर खाने वाली किसमें। हाँ बना भी जल्दी बना, ऐसे मौसम में पकौड़े बनाते हैं गधो, बना रहे कुल्फी। इसकी तरह ना गाइस बचपन में ना ये जैसा दिखता था वैसे एक रील आती है, चलो वो भी मैं इसकी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो देखने इसकी शक्ल और बचपन में कैसा लगता था मेरा प्यारा बच्चा। यू भी बेटा शरारती नहीं,
बस इसको दिखाने, मधु को दिखाने, फिर ये जल्दी कर देगी। आज बनाएगा ना तू अगर अपने रूम को, इनके साथ तो ठीक नहीं लग रहा है काम। ये लोग खुद बनाएंगे अपनी कुल्फी। मेरे पास फ़ोन में बैटरी कम है तो मैं अपने कमरे जाता हूँ, फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। ये लोग लगे हुए बनाने, थोड़ी देर में बन जाएगी तो मैं दिखा दूँगा आपको कि इन्होंने कुल्फी बनाई कि नहीं बनाई। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी भी होने लगी हुई है। लाइट भी है नहीं, जो कि कुल्फी लगाई थी उसने बनाने को, पता नहीं बनी कि नहीं बनी। तो अभी फ़िलहाल मैं तो घुमाता हूँ फ़ोन फिर जाते कहीं ठुलते हैं, थोड़ी देर बोर होने लग गया अब घर पे मैं। तो यूबी की कुल्फी जब बनेगी तो दिखा दूंगा आपको। गाइस तो हम लोग बैठे हुए गाड़ी में क्योंकि बारिश लगी हुई है, सारे लोग एक भी नहीं यहाँ, देखो हो सारे ही इधर ही बैठे हुए। और दिखाता हूँ, और देखो इधर खोलो, ये देखो, हेलो हेलो हेलो, इधर भी पूरी गाड़ी है बैठे क्योंकि बोर हो रहे थे आज। हेलो तो कर दो, तुम तो सच नए नए आए हो भाई भूषण, क्या दे दो यार। हाँ अभी देता हूँ। तो अभी बैठे रहते हैं, गप्पे गुप्पे मारते हैं थोड़ी देर बस रूम पे, और बाहर कंटिन्यू बारिश, बस पूरा दिन बारिश, अभी भी बारिश, कल भी खराब है मौसम, ऐसे ऐसा मौसम है। और लाइट भी जा रही है गाइस, पता नहीं क्या ही सीन हो जाएगा, पता नहीं कब तक लाइट रहेगी, कब भाग जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ डिनर वगैरह करने, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बारिश कर देना इन सारी चीज़ों की, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।